हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ले उड़ान। मैं अहमद सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बीएड जनरल के बारे में बात किया था, जनरल के इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड स्पेशल के बारे में गाइस, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड दो तरह का है, एक बीएड जनरल है और एक बीएड स्पेशल है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो आप जानते हैं, जब तैयारी कर रहे थे तब आपको पता था। जब इंटरव्यू देंगे इसके लिए, इसका भी इंटरव्यू होता है। इसका इंटरव्यू और जनरल के इंटरव्यू में आसमान ज़मीन का फर्क होता है गाइस, अगर देखा जाए बेसिकली। तो इसका जो इंटरव्यू होगा उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो बात आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, अगर आपने देखा होगा उसमें जो बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप किस तरह का आंसर करते हैं, किस तरह का आपका प्रेजेंटेशन होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है हर एक इंटरव्यू में। तो डिफरेंसेज है वो क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली। देखिए, अगर आप स्पेशल के लिए देने जा रहे हैं, स्पेशल में जब आप जानते हैं, जब उस तैयारी कर रहे थे, तो इसमें दो कैटेगरी आ जाता है। इसमें एक होता है विजुअली इम्पैर्ड होता है, और एक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी वाला। जो इम्पैर्ड होता है वो ब्लाइंड के लिए होता है, जो डिसेबिलिटी होता है, लर्निंग डिसेबल होता है, वो नंगना लुगड़ा है, बहुत तरह का जो होता है, मगर स्पेशल कैटेगरी में ये दोनों आता है। तो एक सवाल आपका ये बन सकता है, और इसमें देखिए एक चीज़ क्लियर रखिएगा, इसमें जो स्पेशल है, स्पेशल में लगभग 60-70% क्वेश्चन जो आपका वो स्पेशल से आता है, और जनरल में वो क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें देखिए आपको एक सवाल ये बन सकता है, जो आपने बीएड स्पेशल क्यों चुना, आप बीएड जनरल भी चुन सकते थे, क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या कारण है कि आपने बीएड स्पेशल चुना। इसका आप आंसर जिस तरह दे सकते हैं, आंसर आपको खुद को करना है, आंसर आप मॉडिफाई कीजिए, तैयार कीजिए, अपने दिमाग में सोचिए हाँ क्या आंसर है, क्या आंसर हो सकता है, क्यों आपने चुना। ओके, उसमें फिर आपको एक और सवाल हो सकता है, जिसमें जब दो सेक्शन है तो दो सेक्शन में से किस सेक्शन में आप जाना चाहेंगे और क्यों जाएंगे। एक सवाल और बन सकता है आपका, जो जनरल में अगर स्पेशल के मुकाबले की बात करें तो उसमें कम प्रॉब्लम्स है, आपकी कठिनाइयों का कम सामना करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ब्लाइंड वाले में भी जाते हैं तो आपको पूरा जो उसका ब्लाइंड का जो बैरियर होता है वो देखकर आपको पढ़ाना होता है। उसी तरीके से अगर आप जो लंगड़ा होता है, लूला होता है, या फिर जो जिसका मंद बुद्धि कहते हैं, ऐसे लोगों को भी आपको फेस करना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज़ है। फिर भी आपने स्पेशल क्यों चुना, क्या वजह है स्पेशल चुनने के पीछे, आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक सवाल और हो सकता है आपका, जो आप बीएड फील्ड में या फिर टीचिंग फील्ड में क्यों आए। जैसे उसमें एक सवाल हुआ था, आप जनरली जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया आपने उधर जा सकते थे, आप क्यों आपने चुना इसमें। ठीक है, ये सवालात जो है बहुत कंपलसरी है, और इसका आंसर आप जितना मॉडिफाई करके, जितना बेहतरीन अंदाज में देंगे, उतना ज़्यादा टीचर जो इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे इम्प्रेस होंगे। ठीक है, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टीचर को या फिर इंटरव्यूअर को या क्या करते हैं आप इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपका बन सकते हैं, जो एजुकेशन पॉलिसीज आए अभी 2019 या 20 में गालिबन आया है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव है, उससे क्या पढ़ाई पे कुछ इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, पड़ा है तो किस तरह का पड़ा है, और ये गवर्नमेंट जो लागू किया क्यों लागू किया, किन लोगों को मद्देनजर रखते हुए लागू किया। ठीक है, ये सारे सवाल को आपके मन में रखना होगा, या फिर एक आपके सामने एक डेमो भी रख सकता है। डेमो इन द सेंस आपको कह देगा इंटरव्यूअर, जब मैं विजुअल इम्पैर्ड हूँ या फिर जो मैं लर्निंग डिसेबिलिटी में हूँ, कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक टॉपिक दे देगा आपको और कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझाइए आप, ताकि उससे पता लगाए जो आपके अंदर टीचिंग वाली क्वालिटी है या नहीं, आप टीचर बन सकते हैं या नहीं, या फिर किस तरह के टीचर बनेंगे आप। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आपको दिमाग में रखने के बाद आपको इंटरव्यू हॉल में जाना है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, सब्जेक्ट के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपने आपका ऑनर्स पेपर क्या था, सब्सिडरी में कौन सा पेपर था, आपका सीबीसीएस में कौन सा पेपर था, आप फील्ड जो चेंज किया क्यों चेंज किया आपने, जामिया को आपको चुनने के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, अगर हम बीएड जनरल स्पेशल की बात करें तो बेसिकली ये सारे डिफरेंसेज हैं जो मुझे लगा, या फिर जो हमने जो लोग बीएड कर रहे हैं स्पेशल से या फिर जो जनरल से, उनसे बात करने के बाद जो बातें समझ में आई वो ये सारी बातें हैं। इन तमाम बातों पर फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंट होगा आप इंटरव्यू हॉल में जाइए, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और आप जामिया के पार्ट बन सकेंगे। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, अपने साथ साथ अपने जानने वालों को, अपने दोस्त रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी फायदा उठा सके और जो कन्फ्यूज़न उसके मन में चल रहा है या फिर चल रहा था वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके। थैंक यू सो मच।